वेलकम बैक क्यूरियस पीपल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। स्कूल में प्रोजेक्टाइल पढ़ाने से पहले कुछ असम्पशंस लिखाए जाते हैं। पहला, प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, नेट फोर्स प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ग्रेविटी का होगा। तीसरा, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से फेंका जाएगा। चौथा, ट्रेजेक्ट्री के किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल मानी जा सकती है, या फिर अर्थ को फ्लैट ले सकते हैं। इन असम्पशंस के कारण मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे मिलता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये चारों पॉइंट सही हो। जैसे कि मैं सिंपली एक बॉल फेंकूं तो उस पे ग्रेविटी के साथ ड्रैग फोर्स भी लगता है, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल में कोई बूस्टर ना लगाओ। मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो बिना बूस्टर वाले प्रोजेक्टाइल को शेल कहते हैं। अगर बूस्टर लगाए तो उसको रॉकेट, बूस्टर और गाइडेंस सिस्टम लगाए तो उसको मिसाइल। तीसरा पॉइंट भी गलत हो सकता है। अब जरूरी तो है नहीं कि मैं बॉल ऐसे ही फेंकूं। शॉर्ट पुट फेंकते वक्त यहां तक की हाइट कंसीडर की जाएगी और रिसर्च के हिसाब से 37 से 38 डिग्री मैक्सिमम रेंज देगा। चौथा पॉइंट भी गलत हो सकता है क्योंकि सैटेलाइट भी एक प्रोजेक्टाइल है और वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो अर्थ के रेडियस के सामने कंसीडरेबल है, इसलिए वो पैराबोलिक ना लेके सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ लेता है। तो चलो कुछ पॉइंट्स को ग्राफिकली समझते हैं। तो यह है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे। यहाँ आप नोट कर सकते हैं रेड प्रोजेक्टाइल की रेंज यहाँ ज़्यादा रखी गई है। रेड वाले का एंगल थीटा वन माना गया है और ब्लैक वाले का एंगल थीटा टू। अब इसकी इक्वेशन को एक्सटेंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे कभी नहीं मिलेगा। इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। हमारे पास दो पैराबोला की इक्वेशन है, y1 इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x स्क्वायर g sec स्क्वायर थीटा 1 बाई 2v स्क्वायर, और वैसे ही y2 इक्वल टू x tan थीटा 2 माइनस x स्क्वायर g sec स्क्वायर थीटा 2 बाई 2v स्क्वायर। सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इम्प्लाइज दैट tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा 2, विच इम्प्लाइज दैट x tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन x tan थीटा 2। लेकिन अगर x की नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर जी sec स्क्वायर थीटा 1 बाई 2v स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर जी sec स्क्वायर थीटा 2 बाई 2v स्क्वायर। अब दोनों तरफ माइनस साइन लगाएंगे और सिंबल फ्लिप हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी x tan थीटा 1 माइनस x स्क्वायर g sec स्क्वायर थीटा 1 बाई 2v स्क्वायर इज लेस देन x tan थीटा 2 माइनस x स्क्वायर g sec स्क्वायर थीटा 2 बाई 2v स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट y1 इज लेस देन y2। या ये भी कह सकते हैं कि y1 इज नॉट इक्वल टू y2 और ये कभी नहीं मिलेंगे। अब इन दो कर्व का इंटरसेक्शन ओरिजिन से पहले तो होगा नहीं और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए, तो ये आगे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये समझ में आ गया होगा कि कम एंगल वाला कर्व आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ दूसरे ग्राफ में आते हैं। यहाँ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है और ग्रेविटी की वैल्यू 10 ली गई है। यहाँ रेड वाले का एंगल 48 डिग्री, ग्रीन वाले का 45 और ब्लैक वाले का 42 डिग्री है। अब अगर मैं छत से प्रोजेक्टाइल फेंकूं या ग्राउंड लेवल उस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे हो तो 42 डिग्री की रेंज क्लियरली ज़्यादा होगी। मैक्सिमम रेंज ज़रूरी नहीं है 42 डिग्री ही हो, कुछ और भी एंगल हो सकता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं ग्राउंड लेवल से नीचे से फेंकूं तो 48 डिग्री ज़्यादा रेंज देगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि 42 डिग्री और 48 डिग्री सेम रेंज दे रहा है, जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि थीटा और 90 माइनस थीटा की सेम रेंज है।
इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आर्मी में होता है। जैसे कि मेरे पास अगर 5 आर्टी लगी है और मैंने उनसे एक थीटा एंगल पे फायर कराया तो 45 आता है, और फिर दूसरा फायर एक कैलकुलेटेड टाइम के बाद 90 माइनस थीटा पे कराया जो 45 से कम है, क्योंकि दोनों की रेंज सेम है और कैलकुलेटेड टाइम के कारण दोनों एक साथ गिरेंगे, तो दुश्मन को लगेगा कि इसके पास 5 की जगह 10 आर्टी लगी है। ये थे प्रोजेक्टाइल के कुछ फैक्ट्स। अगर आपको कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि कोई टॉपिक हम कवर करें तो फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।